युवा कांग्रेस ने किया जय जवान अभियान के पोस्टर का विमोचन। जिले में 3 चरणों में आयोजित होगा जय जवान अभियान। पहले चरण में कोऑर्डिनेटर गांव-गांव जाकर मिलेंगे युवाओं से। दूसरे चरण में जिले के शहीद स्मारकों पर होगा सत्याग्रह। तीसरे चरण में युवा कांग्रेस निकालेगी जिले में न्याय यात्रा। युवा कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ऋषेंद्र मेहर ने दी जानकारी। युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अभियान जय जवान को लेकर रविवार को झुंझुनू के रिको स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता व अभियान के पोस्टर विमोचन किया। युवा कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ऋषेंद्र मेहर ने बताया कि पूरे देश में भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अग्निपथ के नाम पर युवकों को सरकार ने अग्निपथ छोड़ने का काम किया है। करीब 1.5 लाख युवाओं ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी मगर उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने जय जवान अभियान चलाया है। जय जवान अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी युवाओं, जवानों और शहीद परिवारों के बीच पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जय जवान अभियान 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में हर पीड़ित युवा, जवान और शहीद के घर घर जाकर पीड़ित परिवार सैनिक की बात सुनकर उसकी आवाज को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। दूसरे चरण में झुंझुनू लोकसभा के हर गांव, नगर, वार्ड, शहर में सत्याग्रह किया जाएगा। तीसरे चरण में न्याय पदयात्रा करके युवाओं की आवाज को मजबूती दी जाएगी। पूरे देश में तमाम युवाओं के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है और अग्निपथ के नाम पे उनको अग्नि पे झोंकने का काम किया है। इसको लेके और जो 1.5 लाख युवा जिन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया में अपनी फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न पास कर लिया था लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, तो इन दो विषयों को लेके हम पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ रहे हैं जिसका नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने किया है, उसका निर्देशन किया है। और हम जय जवान अभियान यहाँ पर चला रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जय जवान अभियान का कि हम युवाओं तक पहुँचें, उनकी समस्याओं को सुने और ऊपर इस चीज़ को रखें। इस पूरे अभियान को हम राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचाएंगे और 3 चरणों पर हम करेंगे। सबसे पहला चरण है संपर्क। हम तमाम उन परिवारों तक पहुंचेंगे जो आर्मी परिवार हैं, पूर्व या वर्तमान में सैन्य परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, और उन युवाओं तक पहुंचेंगे जिनको इस धोखा दिया गया है सरकार ने, जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। हम इसको न्याय पत्र के माध्यम से वहाँ पे उनके घरों पे इन चीज़ों को पहुँचाएंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। दूसरा सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह कभी भी अगर इस देश में अगर कुछ इस तरीके की दमनकारी नीतियाँ आई हैं तो उसके लिए सत्याग्रह किया गया है। हम हर ब्लॉक स्तर पे और नगर में हम शहीद स्मारक के सामने और गांधी चौक के सामने हम बैठ कर सत्याग्रह करेंगे और उस सत्याग्रह में तमाम युवाओं को अपने साथ रखेंगे। और तीसरा जो चरण है वो है पदयात्रा। इस पदयात्रा को हम न्याय नाम देंगे न्याय यात्रा। जैसे हमारे आदरणीय राहुल जी पूरे देश में 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे ही युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम न्याय यात्रा निकालेंगे और हम राजस्थान के हर गाँव में, हर ढाणी में, हर ब्लॉक में हम लगभग 15 से 50 किलोमीटर तक हम पदयात्रा करेंगे। उस पदयात्रा में हम तमाम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक, जो पीड़ित है, जो सेना में भर्ती होना चाहता था, जिसके साथ उपेक्षा की गई है, उन तक पहुंचेंगे और इस सरकार की दमनकारी नीतियों को उनको बताएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। युवा कांग्रेस हर जिले में जाएगी? जी, युवा कांग्रेस ने अभी हमारे साथ में हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर राहुल पुनिया जी और हुसैन सुल्तानिया जी, हमारे आर्मी संगठन के आदरणीय घासीराम जी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में भी हमने तमाम कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे लगाए हैं जय जवान को लेके। वो अभी से लगभग 10-15 दिन से वो अपना तमाम काम कर रहे हैं। हम उनके माध्यम से, हमारे DYC कमेटी के माध्यम से, ऑफिस बेयरर्स के माध्यम से हम हर गांव में जाकर लोगों को जागृत करेंगे और इस 2024 के चुनाव में जनता उनको जवाब देगी, युवा उनको जवाब देंगे।